नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवास भगवती इनक्लेव से ही मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं छोटे से तरीके से मैं चाइना और अमेरिका इसके बारे में थोड़ी बात कर लूँगा। और टीवी में तो भारतवर्ष में जो सूर्य ग्रहण दिखाई दिया और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ दिखाई दिया उसके लिए बहुत सारे चैनल्स ने बहुत बहुत बात कही और मैंने भी बहुत कुछ कहा होगा, तो उतना तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल होगा और थोड़ा उसको शांत करना ज़रूरी है। दुर्भाग्य से थोड़ा क्लैश हमारे और दूसरे कंट्री के बीच बॉर्डर्स, मिथुन राशि में जब पापक ग्रह आते हैं तो सीमांत झगड़े होते हैं, सीमा पर थोड़े बहुत रगड़े झगड़े होते हैं मिथुन राशि में आने से। और वैसे भी मिथुन राशि में पापक ग्रह आने से तो मैं बार बार बोला हूँ कि कुछ न कुछ देश के लिए दुखद खबर हो जाती है और अच्छी दुखद खबर होती है जो कष्टदायक हो जाती है। तो कमिंग टू द सब्जेक्ट, हाँ एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग मेरे चैनल में ढुक करके एस्ट्रोलॉजर्स बोलने लगते हैं कि आप हमारे पास भेज दीजिए, मैं आपको उत्तर दे दूंगा, मिश्रा जी से आपको उत्तर नहीं मिल रही है, इस तरह से बहुत सारी बात अच्छा नहीं लगता है। वह क्यों, आप में दम है तो आप अपना काम कीजिए, मैं तो सिर्फ ये एकदम टोटल फ्री ये जो YouTube में बोल रहा हूँ ये टोटल फ्री 100% नॉलेज में दे रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा निकाल के दे रहा हूँ आपको। कुंडली देखना और उससे 10-20 हज़ार कमा लेना वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि मैं आपको वो आत्मज्ञान दे रहा हूँ जो आप अपने से बहुत कुछ समझ लेंगे। और जो लोग अभिमानी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी बात अलग है, वो लोग तो ईश्वर के बड़े हैं, उनके तो मुट्ठे में ईश्वर बंद है, आप अभी पूजा कर देंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और आपका कल्याण हो जाएगा, अजय भगवान जो है उनके गुलाम हैं, इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं। तो महाराज आप इतने विद्वान, इतने सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली हैं ना, तो आप अपना यूट्यूब में अपना चैनल खोल लीजिए। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। मैं बड़े लोगों के लिए कुछ नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं बहुत एलिमेंट्री बात करता हूँ, एकदम एलिमेंट्री बात करता हूँ ताकि एक साधारण पढ़े लिखे आदमी भी उसको समझ ले। जैसे मैं, हो सकता है मेरी एक पुस्तक मंगला मंगली के ऊपर में हो सकता है एक आध महीने के अंदर या आ जाए, बहुत दूर हमने प्रोसेस कर लिया है, तो उसमें भी आप देखेंगे हाउ सिंपल इट हैज़ बीन मेड, आप देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई मीन। तो जो विद्वान लोग हैं उनकी भाषा ऐसी होती है कि जनसाधारण तक पहुंचती नहीं है, और पहुंचती भी है तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, रिसीव नहीं कर पाते हैं माइंड में। तो मैं उस तरह की एस्ट्रोलॉजी की भाषा नहीं बोलता, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ ही नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ कि आई एम ए ट्रांसलेटर ऑफ गॉड्स लैंग्वेज, आई एम ए ट्रांसलेटर, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम नेवर एन एस्ट्रोलॉजर, मैं आपसे कोई बड़ा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं आपके समकक्ष हूँ, एक ही क्लास में, एलिमेंट्री क्लास में हम लोग दोनों आदमी बैठ के पढ़ रहे हैं। आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग, आई एम शेयरिंग माई नॉलेज एंड आई विल शेयर योर नॉलेज इफ रिक्वायर्ड। तो अभी विश्व में उथल पुथल मचा हुआ है, कोई एक देश है जो सर्वशक्तिमान बनने की चाहत रखता है, तो इसमें हमने आपको अमेरिका यूएस की कुंडली दी है और चाइना की कुंडली दी है। मैंने डिटेल नहीं दिया है कि कब ये स्वतंत्र हुआ, कितने बजे स्वतंत्र हुआ, क्या हुआ, ये सब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक रफ आपको अंदाज बताना चाहता हूँ कि अब जैसे देखिए टीवी में बताते हैं ना कि यूएसए के पास इतने रॉकेट्स हैं, तो चाइना के पास इतने रॉकेट्स हैं, इंडिया के पास इतने रॉकेट्स हैं, इतने टैंक हैं, सब कंपैरिजन दिया जाता है। तो वो भौतिक
है, लेकिन मैं ईश्वर की ओर से किसको क्या मिला है, ये ईश्वरीय कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। डिवाइन डिवाइन ग्रेस अपॉन अमेरिका एंड डिवाइन ग्रेस अपॉन चाइना, ईश्वर दोनों देशों को क्या देना चाह रहे हैं, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो आई एम स्टार्टेड विद चाइना। देखिए इसमें क्या है, इसमें अष्टक वर्ग भी मिलाया जाता है, बिना अष्टक वर्ग के स्ट्रेंथ से ये सब चीज़ पूरा नहीं होता है रिजल्ट, और षडबल भी देखा जाता है। मोटा मोटी ये कहूँ कि कौन बलि है, जैसे देखिए यहाँ पर चाइना का लग्न है 10 नंबर मकर राशि, और मकर लग्न दोनों है चाइना का, 10 नंबर में चंद्रमा भी है, चंद्रमा नहीं रहता तो 10 नंबर इनकी लग्न होती, चंद्रमा है तो 10 नंबर इनकी राशि भी हो गई, और इसके मालिक शनि। तो चीन शनि प्रधान देश है, चीन शनि प्रधान देश है, शनि को मृत्यु बोलते हैं, शनि को लोहा बोलते हैं, शनि को कर्म बोलते हैं, तो चीन जो है कर्म प्रधान देश है, लोहा प्रधान देश है, और उस वो अपना रास्ता उसी शनि के रास्ते तलाश रहा है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, लग्नेश यदि लगन में हो, पॉजिटिव हो, तो स्टेटस बड़ा होता है, लग्नेश निगेटिव हो तो आदमी को कष्ट होता है, लग्नेश यदि सेकंड हाउस में हो तो धन पाता है, यदि निगेटिव हो तो कष्ट पाता है, धन हानि होती है, लग्नेश यदि थर्ड हाउस में हो तो मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा बढ़ती है, निगेटिव हो तो आदमी कुटिल होता है, गलत काम करने के कारण कभी न कभी उसके जीवन में घोर संकट हो जाता है। लग्नेश यदि फोर्थ हाउस में हो, अच्छे पोजिशन में हो, पॉजिटिव रूप में हो, तो सुख पाता है, शिक्षा पाता है, ज्ञान पाता है, मर्यादा पाता है, ये निगेटिव हो तो करवट करवट बदलने पर भी उसको नींद नहीं आती है, माता जी रुष्ट रहती हैं और दुख का अंबार लगा रहता है। लग्न यदि फिफ्थ हाउस में हो, पॉजिटिव हो, तो पिछले जन्म के पुण्य के कारण इस जन्म में बहुत सुख पाता है, संतान से भी उनको अच्छी बनती है, वृद्धावस्था में संतान उनके पालन पोषण कर लेते हैं। लेकिन यदि ये लग्नेश यदि फिफ्थ हाउस में निगेटिव हो तो बच्चों से नहीं पटती है, बच्चे उनको रेस्पेक्ट नहीं देंगे, जठराग्नि में समस्या रहेगी। मैं किसी कारण से ये बता रहा हूँ, लग्नेश यदि सिक्स्थ हाउस में हो, पॉजिटिव हो, तो आदमी शत्रुजित होता है, अजेय होता है, उसको कोई दूसरा आदमी हरा नहीं सकता। निगेटिव हो तो आदमी अपने शत्रुओं के द्वारा बार बार परास्त होता है, अपमानित होता है, रोग होता है, कर्जा होता है और भयंकर कष्ट में रहता है। यदि लग्नेश सेवंथ हाउस में हो, पॉजिटिव हो, तो स्त्रियों के प्रति उसका आकर्षण तो रहता है, लेकिन औरतों से उसको लाभ भी मिलता है, देश विदेश की यात्रा भी करता है, शॉर्ट जर्नीज भी होते हैं और यशस्वी भी होता है। यही लग्नेश यदि अष्टम भाव में हो, पॉजिटिव हो, तो उसकी आयु बहुत होती है, गुप्त धन बहुत मिलते हैं और गूढ़ ज्ञान होता है। यदि निगेटिव हो तो मनुष्य अपने हाथों ही अपनी मृत्यु करता है, सुसाइड्स वगैरह में बहुत कुछ देखे होंगे आप, आदमी अपने से मरता है, अपने हाथों का उपयोग कर, सुसाइड का मतलब होता है ही यूजेस हिज हैंड फॉर हिज डेथ, चाहे वो जहर खाए, चाहे आग लगाए, चाहे अपने को गोली चलाए या चाहे रस्सी से लटके। और यदि ये पॉजिटिव है तो सब कुछ है, आपका गूढ़ ज्ञान का तत्व है, आप ईश्वर के दरवाजे के पास नॉक कर रहे हो। चाइना का यही स्थिति है, लग्नेश इज इन एट्थ हाउस, तो चाइना का जो लग्नेश है, लॉर्ड ऑफ चाइना,
इज सैटर्न एंड दैट सैटर्न इज प्लेस्ड इन डेथ हाउस, ये शनि मृत्यु के घर में है और निगेटिव है, पॉजिटिव है नहीं है। सूरज के घर में है जो इनका शत्रु है, सूरज इनका शत्रु है। पापा होने के बाद भी सूरज शनि में बनती नहीं है, बहुत झंझट है, बहुत माने बहुत झंझट है। तो लग्नेश इन एट्थ हाउस और निगेटिव है तो चाइना तो सुसाइड करने जा रहा है अपने आप, वो जो कर्म कर रहे हैं उसके द्वारा ये सुसाइडल अटेम्प्ट हो रहा है। इसमें मैं नहीं कहूंगा कि किसका दोष है या किसका नहीं है, ईश्वरीय चीज में बता रहा हूं। कुछ ऐसी हरकत ये लोग कर सकते हैं जिसके कारण उनकी अकाल मृत्यु हो जाए, ये संभव है। लेकिन गूढ़ ज्ञान हो ये भी सत्य है, बहुत सारी चीज इसके अंदर में है। छल कपट प्रपंच के साथ भी धन संपत्ति विपदा चोरी डकैती से भी आ जाए, ये लिखा हुआ है। सो एक बात तो यहाँ हो गई, लेट अस चेकअप। अमेरिका के लॉर्ड हैं 9 नंबर, उसके लॉर्ड हैं गुरु, और गुरु 7th हाउस में है। तो मैंने कहा कि 7th हाउस में यदि हो तो मनुष्य अपने पत्नी से प्रेम करता है, सेक्स ओरिएंटेड होता है, आनंद अनुभूति उपभोग इसका उपयोग करता है, ज्ञानी होता है, और चूंकि गुरु की अपनी दृष्टि यहाँ पड़ती है तो उसको स्टेटस बहुत हाई मिलता है। तो चाइना सुसाइड करने के लिए तैयार है, अमेरिका उपभोग करने के लिए तैयार है। उसके जिंदगी का नज़रिया दूसरा, इनके जिंदगी का नज़रिया दूसरा। कहाँ ग्रहराज गुरु ज्ञान के सागर, और कहाँ शनि कर्म के अधिकारी निगेटिव हो गए हैं, दुष्कर्म कर सकते हैं ये। तो ये जो कहा गया है कि ये अब से मीठे मीठे बात करते रहेंगे और पीछे पीछे वो आपकी ज़मीन को भी काटते रहेंगे, आपको डुबा देंगे सागर में, ये इनकी प्रवृत्ति है, इनकी सोच निम्नगामी है। जैसे नदियाँ नीचे बहती हैं ऊपर नहीं बहती हैं, तो इनकी सोच जो है निम्नगामी है। क्यों? इसलिए कि 33.3% लग्न से शनि मृत्यु के घर में चले गए, फिर 33.3% शनि चंद्रमा से चले आए नीच में, और सूरज से भी 2 द्वादश में है। तो 33.3% नहीं भी होने से 10% भी हम लोग लेंगे तो 66.6 प्लस 10% जल्दी जोड़ूं तो 76.6 होगा। तो ये यहाँ पर इनके अंदर में जब तक आत्मा में उदय ना होगा, दूसरे के प्रति सम्मान नहीं होगा, अपने विकास के साथ साथ औरों के साथ भी विकास की भावना नहीं होगी, तब तक चाइना अपने कर्मों के कारण सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है। हाथी भी यदि चींटी को दाबता है तो चींटी मुंह खोल करके खोलता तो जरूर है काटने के लिए, तो वही हालत है। चाइना सोचता है बहुत बड़े हैं, उनकी बात यह है। अमेरिका भोग विलास आनंद के साथ जीना चाहता है, इसकी सोच अलग है। अब अष्टक वर्ग में आप देखिएगा तो चाइना का मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा का अंक हो जा रहा है 26, और अमेरिका का है 38, बहुत ऊंचा, बहुत बहुत ऊंचा। तो अमेरिका का मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा ये बहुत ऊंचा है, ये 38 पॉइंट है यहाँ, और गुरु की अपनी दृष्टि है यहाँ, तो इसके अंदर में दूसरों के प्रति भी सज्जनता का भाव है, अहित करे दूसरे को ये सोचता नहीं है, प्रिपेयर्ड रहता है सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए कि चंद्रमा यहाँ इनका जो लग्न है यहाँ से आकर वापस गुरु को देखता है तो ये मान मर्यादा रुतबा इनकी बनी हुई है। अब दूसरी बात बोल रहा हूँ, मैं नक्षत्र सिद्धांत की बात बराबर बोलता हूँ आपको। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन मस्ट बी थ्रू
नक्षत्र सिद्धांत। चाइना का नक्षत्र है श्रवणा, एक श्रवणा माने चंद्रमा, और अमेरिका का नक्षत्र है सतभिसा, सतभिसा। तो चंद्रमा से सतभिसा तक हम गिनती करते हैं, चंद्र मंगल राहु तीन। तो चंद्रमा से अमेरिका का नक्षत्र सतभिसा तीसरे जोन में पड़ता है, जन्म संपद विपद। तो अमेरिका का नक्षत्र चाइना के नक्षत्र से विपद जोन में पड़ गया, डेंजर जोन में पड़ गया, मतलब चाइना के लिए अमेरिका डेंजर जोन में आ गया। यदि ये आपस में मित्र नहीं रहते हैं तो अमेरिका चाइना के लिए डेंजर बन सकता है। ठीक उसी तरह से हम यदि इनको चेक करते हैं, अमेरिका का नक्षत्र है सतभिसा और चाइना का नक्षत्र है श्रवणा, तो सतभिसा से हम लोग सतभिसा माने राहु, राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूरज चंद्रमा, या आठवां होता है, आठवां माने मित्र। तो अमेरिका के लिए ये चंद्रमा मित्र तारा में आ गया। अमेरिका चीन को हानि करे वो सोचता नहीं है, लेकिन हाँ यदि युद्ध की स्थिति हो जाए तो अमेरिका चाइना के लिए डेंजरस जोन में आ गया, उसको बहुत हानि हो सकती है। लेकिन ये अपने शत्रु से भी मित्रता बनाने के लिए तैयार है। तो ये मानसिक दशा जो ईश्वर ने दी है वो मैं बता रहा हूँ, भौतिक नहीं। क्योंकि मेरे पास 10,000 रॉकेट्स है, उसके पास 10,000 बम है, उसकी बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं मानसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो ये एक फर्स्ट हैंड कंपैरिजन है बाय स्टार्स और भाव से क्लासिफिकेशन फ्रॉम हाउसेस जो होगा सो होगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसका लगन 10 है और अमेरिका का लगन 9 है, तो 9 और 10 ये द्वी द्वादश में होते हैं। इससे गिनती करेंगे तो ये 12th हाउस है, और यहाँ से गिनती करेंगे तो ये सेकेंड हाउस है 9 से 10। तो राशि वाइज दोनों का द्वी द्वादश है। द्वी द्वादश में जब कोई प्लेनेट हो, जैसे पति पत्नी का कुंडली हम लोग मिलाते हैं ना बिफोर मैरिज, तो जो सब चीज़ देखते हैं वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। यदि इसका लगन और इनका लगन आपस में मित्र ना रहे तो फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है। पत्नी बच्चों की कुंडली मिलाई जाती है तो दो चीज़ ध्यान देते हैं, पति पत्नी का मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेटस जो चंद्रमा बताता है 28 गुना 26 गुना, वो मेंटल स्टेटस बताता है कि पति या पत्नी मेंटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं। लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन भी पति पत्नी के बीच में ना हो तो मैरिज तो सूख जाएगा। तो वो लगना टू लगना बताएगा। कुछ शोर हो रही है नीचे में, बच्चे खेल रहे हैं, तो जिस गाड़ी से आवाज़ होती है उसको बार बार ठोक देते हैं, वो शोर हो रही है और उस पर मेरा बस नहीं है। तो इस दोनों के बीच में 10 नंबर और 9 नंबर चूंकि द्वि द्वादश हैं, इसलिए इन लोगों के अंदर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर रहेगा। बात कुछ भी हो, चाइना बोलेंगे कि हम उत्तर जाएंगे तो अमेरिका बोलेगा मैं दक्षिण जाऊंगा, ये डिफरेंस ओपिनियन रहेगा। जैसे हस्बैंड वाइफ जो झगड़ते हैं तो नहीं मैं ये लूंगा, नहीं मैं ये नहीं दे सकता, नहीं ये लेना ही मैं ऐसे ही रखूंगा, यही चाहिए हमको, और आप नहीं देते हो तो डिवोर्स कर लेंगे हम लोग या छत से कूद जाएंगे। तो वही बात है यहाँ पर, इन लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सदा सदैव सर्वदा बना रहेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक पॉइंट पर दोनों आदमी मान जाए
कि हाँ ये चौक है, नहीं मानेंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस राशि के हिसाब से दोनों में है। दोनों में एक दूसरे के प्रति फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्सन है। जैसे चुंबक का नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल दूसरा चुंबक लेकर के मिलाइए तो दोनों हटते हैं पीछे, लेकिन एक चुंबक का नॉर्थ पोल दूसरे चुंबक का साउथ पोल मिलाई तो सट जाएंगे तुरंत। तो ये नॉर्थ पोल टू नॉर्थ पोल पटने वाले नहीं हैं लोग। तो ना तो राशि से एक हैं, ना नक्षत्र के हिसाब से एक हैं। तो दोनों देश एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, और इनके अंदर में डिफरेंस ओपिनियन होगा। अमेरिका इनको मित्र समझ के समान समझ रहा है। इसके अंदर में गुरु है, गुरु सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे सुंदर ग्रह है, ज्ञान का ग्रह है, नॉलेज का ग्रह है, विजडम का ग्रह है। इसलिए ये ओछी या गिरी हुई मानसिकता को भी माफ करने की क्षमता अमेरिका के अंदर में है। तो ये दो चीज हमने आपको बताया, इसमें थोड़ा फर्क है। दूसरी बात, यहां से लग्न से जो सेवंथ हाउस होता है तो नेचुरली हम लोग बोलते हैं पत्नी की कुंडली है, लेकिन जब नेशन की कुंडली होती है तो हम लोग इसको फॉरेन अफेयर्स की बात बोलते हैं, विदेश नीति। सेवंथ हाउस राष्ट्र की कुंडली में वो विदेशी विदेश नीति को इंडिकेट करता है। तो यदि यहाँ पर शुभ ग्रह हो, अच्छे ग्रह हो, पॉजिटिव ग्रह हो, तो एक राष्ट्र के दूसरे और अन्य सभी राष्ट्रों के साथ पॉजिटिव विदेश नीति होती है, मित्रता की विदेश नीति होती है। हमने कहा पॉजिटिव हो तो एक रिजल्ट होगा, नेगेटिव हो तो अपोजिट रिजल्ट होगा। तो इसके सेवंथ हाउस में मंगल हैं। मंगल का मतलब होता है भूमि, लैंड, लैंडेड प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, रियल इस्टेट। तो चीन के सेवंथ हाउस में मंगल हैं और नीच के हैं, तो इनकी विदेश नीति नीचता के साथ रियल इस्टेट, भूमि, भवन, जमन, जमीन जायदाद, बॉर्डर इश्यू वगैरह के साथ है। इनका किसी के साथ भी बॉर्डर इशू है तो आज नहीं तो कल उसमें झगड़ा होगा ही, वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति से। जैसे हिंदुस्तान के ऊपर में नेपाल है, नेपाल के ऊपर चाइना, हो सकता है दोनों आपस में मित्र हो, लेकिन लेकिन कल की बात ऐसी हो सकती है कि दोनों आपस में झगड़ जाए। करण की इनकी तो कुटिल नीति है, धन दो, मदद करो, सब कुछ करो और उसको खरीद लो। तो रियल इस्टेट के कारण इनकी विदेश नीति फेल कर जाएगी। ये नीचता के साथ है तो विदेश नीति इनकी नेगेटिव रहने के कारण, नीचता के कारण, नेगेटिव आइडिया के कारण, विचित्र स्थिति के कारण, भूमि को ललचाई दृष्टि से देखते रहने के कारण, विस्तारवाद के कारण इनकी विदेश नीति फेल कर जाएगी। और मंगल नीच है, मंगल सेवंथ हाउस में रहते हैं तो मार्केस भी होते हैं, और हमने कहा कि इनका लग्नेश अष्टम भाव में है, सुसाइडल टेंडेंसी है इनकी। तो जमीन जायदाद, रियल इस्टेट, बॉर्डर इशू, मेरी जमीन तेरी जमीन, मेरा एरिया तेरा एरिया करते करते ये युद्ध कर लेंगे और चीन नस्त नाबूद हो जाएगा, इसकी संभावना बनती है। युद्ध किसी का भला नहीं करता, दो राजा लड़ते हैं और मरती है प्रजा, चाहे वो सैनिक बन करके राजा के साथ रहें तब मरें, किसान बन करके रहें तब मरें, जैसे रहें, मरती तो प्रजा है। तो ये मंगल भी इनका, जैसे शनि लग्नेश एट्थ हाउस में है, मंगल इनका सेवंथ हाउस में है और ये मार्केस बन करके आया है। मंगल को रक्त बोलते हैं, इनको रक्त चाहिए, रक्तपात चाहिए,
एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए हमको तो मेरी जमीन है, ये मेरी भूमि है, हमको चाहिए। ऐसी इनकी प्रवृत्ति हो सकती है। और ये चार नंबर है, चार नंबर जल को बोलते हैं। तो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, नाले के किनारे वाली जमीन पर इनको ज़्यादा चाहत रहेगी। बॉर्डर एरिया जो नदी के किनारे है, होता क्या है कि नदी का दोनों किनारे के बीच की जो भूमि है वो सेंट्रल लाइन होता है। सूख गई तो नदी उधर चली गई, तो सेंट्रल लाइन तो वहाँ पर बदल जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में वे बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल करके कर सकते हैं। भूमि का लालच है, रियल इस्टेट का लालच है, बॉर्डर की जमीन की लालच है इनके अंदर में। तो मंगल है क्या? चाइना के कुंडली में मंगल है क्या? मंगल फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं और एलेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं। एलेवंथ हाउस के लॉर्ड होने के कारण अगेन रियल इस्टेट का लोभ, और फोर्थ हाउस अपना घर है इनका, द हाउस वेयर दे स्लीप। तो अपनी भूमि तो अपनी भूमि, दूसरे की भूमि भी मेरी, मेरा धन तेरा धन भी मेरा धन, ये एक भावना नीच मंगल के कारण है। और यही मंगल उच्च दृष्टि से, दस नंबर में मंगल उच्च होते हैं, उच्च दृष्टि से चीन की मर्यादा को बढ़ा रहा है। तो उनकी जो अपनी विदेश नीति है, भूमि हड़पो, उसके कारण ये स्टेटस पा रहे हैं, पूरे संसार में प्रख्यात हो जा रहे हैं। अब अमेरिका को देखें, मंगल यहाँ भी है, इनके भी सेवंथ हाउस में मंगल है, लेकिन तीन नंबर में है। तीन नंबर में मंगल भी अशुभ होते हैं, तीन नंबर में और छह नंबर में भी मंगल अशुभ होते हैं। बुध के घर में मंगल अशुभ होते हैं। तो ये अमेरिका के अंदर में भी ये भावना है, लेकिन ये अमेरिका भी तो लंबे अरसे से गुलाम रहा, किसी कंट्री के अंदर में रहा शासन में। तो इनको भी बहुत सारी जगह में, इनको भी अपने जमीन के लिए, सीमांत जगह के लिए इनको भी थोड़ी युद्ध करने की नौबत आ सकती है। और ये भी हमारे केस है। तो धनु लग्न के कुंडली में मंगल का मतलब होता है एक नंबर और आठ नंबर, तो फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस ज्ञान को बोलते हैं, पिछले पुण्य को बोलते हैं, धन को बोलते हैं, चिल्ड्रेन को बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं, और एजुकेशन को भी बोलते हैं, हायर एजुकेशन को भी बोलते हैं। और आठ उत्तर को बोलते हैं। तो उत्तर के जो महादेश हैं, उत्तरी महाद्वीप, इसमें चाइना, सॉरी, इसमें अमेरिका अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैसे? मैत्री संधि करके, दुष्टता करके नहीं, मैत्री संधि करके ये बढ़ाएंगे। तो इनकी सोच अलग है, और इसी में मंगल, सूरज, शुक्र और गुरु हैं, और द्विस्वभाव राशि में हैं। तो एक दो तीन चार और चार दुनी आठ, ये जब भी रहेंगे, अमेरिका जब भी रहेगा तो झुंड में रहेगा। इसलिए इनके फ्लैग में बहुत सारे स्टार्स हैं, इतने सारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज़ नॉट ओनली अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये समूह में रहने वाले, झुंड में रहने वाले और शुभ सोचने वाले गुरु, गुरु का 75 पैसा है, इसके अंदर में ज्ञान है, सेंस है। तो ये एक बात इनके पास है। अब यदि हम लोग ये देखें कि अच्छा ठीक है, कोई भी व्यक्ति कुंडली दिखाता है तो पूछते हैं कि बच्चे का कुंडली, सब सुनने के बाद बोलते हैं सर आयु ठीक है ना, मेरा बच्चा पूरी आयु तो जिएगा ना, तो फिर आयु देखना शुरू करता है।
तो इनमें तो सुसाइडल टेंडेंसी है, तो आयु देखना बहुत जरूरी है। यहाँ कैसे देखेंगे आयु? फर्स्ट हैंड अष्टक वर्ग में चेक कर लीजिए। फर्स्ट हैंड आप और भी किसी भी तरीके से बल देख लीजिए, षडबल में देख लीजिए, तो यहां पर आप देखिएगा कि स्ट्रेंथ इनका 25 है, एवरेज है। चाइना का जो अंक है आयु में वो 25 है, एवरेज गुड। 70 साल हो गए चाइना को इंडिपेंडेंस लिए हुए, 70। और अमेरिका के कुंडली में अष्टम भाव में 33 नंबर है, उसमें 25 नंबर है, इसमें 33 नंबर है। 8 पॉइंट्स मोर व्हाट अमेरिका इज हैविंग द लॉन्गविटी। तो यदि युद्ध होता है तो आप अंदाज लगाइए किसकी मौत होगी और किसकी विजय की गाथा है। तो ये थोड़ी सी बात हमने कही इसलिए कि सिर्फ युद्ध का शोर सुनाई दे रहा है, युद्ध युद्ध युद्ध, मेरे पास इतने हैं, मेरा साउंड की स्पीड से ये हमारा है, वो हमारा है, मेरी गति ऐसी है, मेरी चमक ऐसी है, ये सारी चीज़ें मौत के बारे में सब बोल रहे हैं। कोई नहीं बोल रहे हैं कि मैं अपने देश में इतना अनाज पैदा करूंगा कि वर्ल्ड में एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। ये नहीं बन रहा कि मैं इतनी दवाइयां बनाऊंगा कि कोई भी व्यक्ति धरती का रोग से ना मरेगा। मैं इतना धन कमाऊंगा कि जो राष्ट्र पिछड़ा पड़ा हुआ है, जिसके पास शक्ति नहीं, मैं उसको संभाल सकूँ, उसको भी मदद कर सकूँ। वो भी ही इज़ ऑल्सो ए He has been also created by God, who has created me also. So, both of us are brothers. ये नहीं किया एक आदमी कमज़ोर है तो उसको दवा करके मार लो, अपने पॉकेट में ढुका लो, ऐसा नहीं। उसको भी भगवान तरक्की दे, उसके अंदर में भी प्रॉस्पेरिटी दे, सब कुछ हो। तो ये एक आउटलुक जो है, ये डिफरेंट आउटलुक है दोनों कंट्री का, और स्थिति देख रहे हैं 25 और 33 का। यहाँ देख रहे हैं लग्नेश डेथ हाउस में है, मृत्यु के घर में है। यहाँ देखते हैं लग्नेश सेवंथ हाउस में, और यहाँ से दृष्टि भी पड़ रही है, सूरज आत्मा मंगल जोश शुक्र माया धन संपत्ति गुरु ज्ञान गूढ़ ज्ञान, तो ये सारी चीज़ें यूएसए की कुंडली में बनी हुई हैं। लेकिन इनके अष्टम भाव में बुध और राहु हैं। अष्टम भाव में 4 नंबर है और इसका शत्रु है राहु। तो ये भी मुंह की खा सकते हैं यदि अपने को ओवर एस्टिमेट करेंगे। तो यदि ये अपने को ओवर एस्टिमेट करेंगे कि मेरे अष्टम भाव में बल है, मैं तो दीर्घायु वाला व्यक्ति हूं, तो राहु इनको भी तंग करेगा। चंद्रमा का परम शत्रु राहु, सूरज का परम शत्रु राहु, तो ये स्थिति इनके लिए भी नाजुक है। ये भी ओवर एस्टिमेट ना करें अपने को। इनके अंदर में शांति सद्भावना दूसरे को कल्याण करने की भावना है, तो भगवान करें इनके भी इनको भी सुबुद्धि आए और इनको भी सुबुद्धि आए। कारण कि दुनिया में हर आदमी एक ही बात बोलेगा कि न्यूक्लियर पावर के लोग हैं, इतने इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी क्षमता ये लोग किसी मैनकाइंड के विकास में नहीं लगाए, ये सारा विकास में लगाए कि ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं दूसरे को मारूं, मार दूं और मैं सर्वशक्तिमान हो जाऊं। ये नहीं कि मैं दूसरे को मदद कर दूं, वो भी हमारे बराबर हो जाए, हम लोग शांति से जिए, ये नहीं। ये मैंने ईश्वरी बात हमने आपको डिकोड कर दी, बहुत सारे चीज़ मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी शॉर्ट में ये बता रहा हूं कि मुझे नहीं लगता युद्ध होगा। अब कोई आदमी हाथ मिलाने जा रहा है और पीछे से कोई आदमी पीठ में गोली मार दे तो वो तो अलग बात है, या काल मृत्यु में आता है। और ये हत्या में आता है,
आप इसमें देखिए, इसके भाग्य के घर में बुध हैं, चाइना के भाग्य के लॉर्ड हैं बुध मर्क्यूरी, एंड मर्क्यूरी सूरज के इतने करीब हैं कि वो जल गए, अस्त बोलते हैं उसको। तो बुध जो है वो अस्त हैं और रेट्रोगेट हैं, उल्टे भी चल रहे हैं, ये अपने भाग्य को उल्टी दिशा में चला रहा है। यहां पर सूरज इनके भाग्य के मालिक हैं जो इनके सेवंथ हाउस में आ गए, तो इनकी मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा आत्मा सब प्लस प्लस है। यहाँ की इनके जो भाग्यस हैं वही जल गए हैं, वही मर गए हैं और उल्टे चले जा रहे हैं। मरा हुआ आदमी सीधा चले टेढ़ा चले क्या फर्क पड़ने का है। तो इसे बुध तो गए, सूरज से गए, सूरज आत्मा है, सूरज ने जलाया तो इनकी आत्मा ही इनको जला देगी, तो स्थिति ठीक नहीं है। राजा को राज्य चलाने के लायक होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, शांत होना चाहिए, दूसरे के प्रति स्नेह सम्मान की भावना होनी चाहिए। राजा जो अपने प्रजा के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दे उसको राजा कहते हैं। ये नहीं कि अपनी गद्दी पाने के लिए हम किसी भी छल कपट प्रपंच के जरिए हम अपनी कुर्सी को बचा करके रखें, उस पर बैठा रहूं मैं, बाकी लोग भाड़ में जाए। कोई एक राजा हुआ करते थे, संभवतः उनका नाम नीरो था, रोम के राजा थे। ऐसा कहा गया है कि जब रोम में आग लगी हुई थी, सब प्रजा त्राही त्राही कर रहे थे, मर रहे थे, तो बांसुरी बजाते थे, उनको फ्लूट बहुत बढ़िया बजाने आती थी। यही राजा है। ये भारतवर्ष है, हमारा देश भारतवर्ष है। भारतवर्ष के जो राजा भरत थे वो एक समय सिर्फ गाय के सेवा के में जुट गए वर्षों तक। बहुत कहानी है, यदि भारतीय संस्कृति को समझना चाहें तो बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि आंखें फट जाएंगी। ये भारतीय संस्कृति है हमारी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि। ऐसा है कि हम लोग सर्व की भावना, सबों की भावना, प्लूरल नॉट सिंगुलर, मैं नहीं, मेरी नहीं, मेरी विजय नहीं, सबकी जय, सबकी विजय, यही भारत है। दिस इज इंडिया एंड दिस हैपन्स ओनली इन इंडिया, यही भारत है हमारा। आज यहीं तक जो थोड़ी बहुत बात हमने कही, इसको इसलिए कहा कि दिमाग में इसको भी रखिए, जो भी इतनी चीज़ें सुन रहे हैं चारों ओर से उसमें इसको भी लगा करके रख दीजिए। आज यहीं तक। इति शुभम तहन दो निनाग्य जोहार।